NIFD शहर में फैशन और इंटीरियर डिजाइनिंग शिक्षा के प्रसार में अग्रणी नाम है। फैशन के क्षेत्र में उभरते डिजाइनरों को पेशेवर प्रशिक्षण प्रदान करने वाले अग्रणी संस्थानों में से एक है। इंटीरियर NIFD का दोहरा उद्देश्य है, लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना और दूसरा उद्योग के लिए पेशेवर डिजाइनर्स पूरा करना। यही उद्देश्य लेकर NIFD हर साल नए नए डिजाइनर्स को इसमें ट्रेन करता है। कल शाम सेंटर पॉइंट होटल में इन डिजाइनर्स द्वारा बनाई गई कलाकृतियां पेश होंगी। INIFD नागपुर 13 अगस्त को होटल सेंटर पॉइंट रामदास पेट नागपुर में डिजाइनर अवार्ड्स 2022 का आयोजन करने जा रहा है। इस विशेष अवसर पर 22 छात्र शहर के विविध वर्ग के लिए अपने संग्रह का प्रदर्शन करेंगे। फिल्म एक्ट्रेस और सुपर मॉडल छात्रों के लिए रैंप वॉक करने जा रही है। इस शो में बॉलीवुड अभिनेत्री कोयना मित्रा, सेलिब्रिटी जूरी फैशन डिजाइनर श्रुति संचेती, समारोह के लिए सेलिब्रिटी होस्ट अभिनेता अमन वर्मा भी सहभागी होंगे। साथ ही इवेंट के लिए सेलिब्रिटी सिंगर रिया भट्टाचार्य भी शिरकत करेंगी। ये मेरे लिए शो इसलिए थोड़ा सा अलग है क्योंकि बहुत सारे फैशन शोज, मिस मिसेज मिस्टर, ये जो कॉन्टेस्ट वगैरह मैं करता रहता हूँ, बट INIFD का इस तरह का शो मतलब किया है बट विद प्रोफेशनल मॉडल्स। आई थिंक आप जितने भी मॉडल्स देख रहे हैं तो वन स्टैंडिंग ओवर द एंड ओवर हियर लेवल पे शो हो रहा है। दी स्टूडेंट्स हैव बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी कि क्रिएटिवली जो सबसे बढ़िया काम वो अपना दिखा सकते हैं वो मंच पे दिखाएं। वी हैव प्रोफेशनल मॉडल्स, ऑफ कोर्स एज अ होस्ट उन्होंने मुझे रखा है। डेफिनेटली हम चाहते हैं कि शो का जो लेवल है वो एक स्तर पर हो, बढ़िया हो, एंड नागपुर ही नहीं बल्कि जैसे पूरे भारत देश में एक तरह से पता लोगों को पता लगना चाहिए कि हम इतना बढ़िया और इतना काबिले तारीफ जो शो है वो हम कर रहे हैं। आई थिंक इसके बारे में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारी जो क्रिएटिव टीम है वो ही ज़्यादा बेहतर बता पाएगी कि क्रिएटिवली उन्होंने क्या बनाया है। जाहिर सी बात है कि अगर स्वतंत्रता दिवस की अगर आप बात करें, 75th इंडिपेंडेंस डे, तो आई एम श्योर द स्टूडेंट्स वुड हैव, डू यू हैव समथिंग कनेक्टेड टू द इंडिपेंडेंस डे, इज इट? जी, दैट्स एन अपॉर्चुनिटी जी। हैव यू गाइस पुट टुगेदर समथिंग फॉर द इंडिपेंडेंस डे? नो नो नो, दे नॉट नॉट एट द मोमेंट। बहुत ही कमाल की बात कही है, स्पेशली हिंदुस्तान में औरतों के लिए उनको सबसे पहले जो वो पहनना चाहती हैं उनको पहनने दिया जाए, आई थिंक ये सबसे बड़ी बात है। इस समय मैं यही जवाब दे सकता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि आसपास क्या होने वाला है। जी, मुझे लगता है कि सारी जो भी इंडस्ट्रियां हैं, चाहे वो मॉडलिंग इंडस्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, बहुत ही बुरा असर पड़ा था। 2 साल बिना काम के, हमारी रोजी रोटी यही है, तो होटल्स बंद थे, शोज नहीं हो रहे थे, किसी को पता नहीं था कि नेक्स्ट स्टेप क्या ले और क्या होने वाला है, किसी के पास कुछ आइडिया नहीं था। तो आई थिंक बहुत लेसन मिला सीखने को। सबसे पहली बात तो है कि कभी भी अपने जॉब को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कि हाँ चलो ये तो कल मिल ही जाएगा या कुछ। दूसरी बात है, एक डर होता है कि इसके अलावा मैं क्या कर सकती हूँ। आप बहुत कुछ कर सकते हो, डर हमें हमेशा कंट्रोल करके रखता है कि हम चाहे कुछ करना चाहें मगर इसमें इतने कंफर्टेबल हो गए कि दूसरे एवेन्यू को देखने के लिए भी हम 2 बार सोचते हैं कि करें कि नहीं करें, क्योंकि ये तो चल ही रहा है। तो आई थिंक 2 ऑप्शन, दूसरा आई थिंक आई वुड से दिस दैट द फियर वेंट अवे। तीसरा आई मीन आई थिंक फाइनेंशियली ऑल्सो काफ़ी लोगों को बहुत मुसीबतें हुई, जो लड़कियां या लड़के जो मॉडलिंग के लिए बॉम्बे आते थे या टीवी करना चाहते थे या फिल्म करना चाहते थे, सबको जाना पड़ा वापस घर। आप अपनी ज़िंदगी वापस शुरुआत कर रहे हो, जो स्ट्रगल कर रहे थे या उनको कोई एक्टिंग की जॉब नहीं मिली या ऑडिशन देना चाहते थे या कोई भी फैशन शोज नहीं हो रहे थे, ऑर्गेनाइजर्स ने ऑब्वियसली दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट मनी, तो सब सेक्टर सबको कुछ ना कुछ कोई लेवल, चाहे वो ग्रास रूट लेवल हो या मिड लेवल हो या हाई लेवल हो, सबको अफेक्ट बहुत ही बुरी तरीके से हुआ है। आई एम ग्लैड दैट थिंग्स हैव कम बैक टू नॉर्मल। आई थिंक वी हैव अटमोस्ट ग्रैटिट्यूड एंड रिस्पेक्ट फॉर व्हाट वी डू एंड फॉर एंड गेन लॉट ऑफ कंपैशन व्हाट अदर्स डू फॉर अस। आप नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे, हम नहीं होंगे तो आप नहीं होंगे, तो एक कहते ना एक टीम एफर्ट,
ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हर इंसान की जो जॉब की जो वैल्यू है कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी इंडस्ट्री में, एंड दैट्स व्हाट मेक्स अ शो और अ टीवी और वट एवर इट इज़ अ ग्रैंड सक्सेस, बिकॉज इट्स अ टीम एफर्ट, इट्स जस्ट नॉट मी और हर और एनीबडी एल्स. सो आई थिंक अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड, अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अदर पीपल, नॉट ओनली फॉर अस फॉर आर जॉब बट फॉर अदर्स. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि सब कुछ अभी शुरू हो रहा है, मगर जो पर्सपेक्टिव था वो चेंज हो गया है. एक लास्ट क्वेश्चन की जिस तरीके सर ने बताया कि काफ़ी लड़कियां स्टूडेंट यहाँ पे छोटे शहरों से आए, कुछ गांव खेड़ों से, तो छोटे लोगों की एक सोच होती है कि फैशन डिज़ाइनिंग में या फिर मॉडलिंग में लड़कियां उतरना जिस तरीके की ड्रेस है तो उसके लिए सेफ है नहीं है, किस तरीके का आप एक मैसेज देना चाहेगी इस बारे में? मैं मैसेज ये देना चाहूँगी कि आप चाहे कोई भी इंडस्ट्री में हों, ज़रूरी नहीं कि मॉडलिंग इंडस्ट्री इज़ फेटल और बैड रेप्यूटेड और वट एवर. चाहे आप डिज़ाइनर्स INIFT के आप देख रख रहे हैं, यंगर द न्यू जनरेशन, दे क्रिएटिंग क्लोथ्स फॉर हु? फॉर पीपल लाइक अस हु नीड्स टू बी वॉक्ड ऑन द रैम्प, राइट? वी हैव टू वेयर दैट क्रिएशन एंड वॉक. सो वॉट यू योर, चाहे वो छोटे शहर के हों या बड़े शहर के हों, आपका पर्सपेक्टिव बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि अगर मुझे मॉडलिंग की दिशा में जाना है किस टाइप के जॉब्स करने हैं. अगर आप लॉयर हैं तो आप चाहेंगे कि मेरे पास ऐसे केसेस आएँ जो मैं कर सकूँ और उसमें मेरी सक्सेस हो, तो आप वही जॉब मॉडलिंग में भी चूज़ करना चाहेंगी. जॉब्स तो ऑप्शन बहुत हैं, मगर आप वही लेंगे जो आपको कम्फर्टेबल फील कर रहा, कोई आपको पुश नहीं कर रहा, कोई आपको गला घोंप के नहीं बोल रहा कि आपको यही करना है. चॉइसेस वैरायटी बहुत होंगी, आपके ऊपर डिपेंड करता है किस दिशा में जाना चाहती हैं. एंड इफ़ यू वांट टू मेक इट अ प्रोफेशनल, 20 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में, तो 20 साल अगर हो गए हैं, जो मैंने बोला नहीं चाहिए तो मैं बोल दिया, मगर 20 साल हो गए, मगर आई एम वेरी प्राउड कि मैं 20 साल जो भी मैंने नाम कमाया है चाहे मेरी इंडस्ट्री में हो, बहुत ही रिस्पेक्टफुली कमाया है. तो आपकी जो रिस्पेक्ट है वो आपके पास है, आप किस तरह से उसको आगे लेके जाना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. रही बात डिज़ाइनर्स की, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि आप अपनी क्रिएटिव सेंसिबिलिटी प्लेटफॉर्म में दिखा सकते हैं. उसके बाद चाहे आपका पैशन हो या ना हो वो आप पे डिपेंड करता है. कितने सारे डिज़ाइनर्स आके फैकल्टी में बैठ के देखते हैं, यू कैन बी पिक्ड बाई वन ऑफ द डिज़ाइनर्स एज एन इंटर्न, एंड दैट इज़ योर वे, द रोड, द जर्नी विल स्टार्ट फॉर यू. So the opportunities will always come. Are you ready to really open the door and welcome it? The choice is yours. Platform aapko diya gaya. INIFT is a very reputed school, an institution where people giving you the platform, whether it's interior designing or fashion, you have the opportunity. Now how you use it and how you progress, the ball is in your court. How serious you are. And then the results show eventually. कल यहाँ पर एक आयोजन होने वाला है, स्पेशली INIFT के तरफ से ये एक बड़ा आयोजन है जो 2 साल बाद हो रहा है, किस तरह का आयोजन है उसके बारे में बताएं. ये हमारे जितने डिज़ाइनर्स हैं जो 2 साल बाद इसलिए हुआ साहब कि जब पैंडेमिक के टाइम में कुछ कर नहीं सकते थे, सब चीज़ अलाउड ही नहीं थी करना, स्टूडेंट्स सारे हमारे स्टूडेंट्स जो है वो सफ़र कर रहे थे क्योंकि पैंडेमिक होने के कारण कोई भी अपनी क्रिएटिव जो भी क्रिएटिविटी है वो हम लोग हर साल स्टूडेंट्स का जो पास आउट होते हैं वो स्टेज पे लाते हैं थ्रू डिज़ाइनर अवार्ड यानी फैशन शो के माध्यम से, वो हम कर नहीं पाए. बट इस साल मौका मिला है, सारा ओपन अप हो गया है, तो अब इस साल से हम लोग फिर स्टार्ट कर रहे हैं. होपफुली कल बच्चों का शो, ने बहुत मेहनत की है 3 साल, वो सारे बच्चे अपने 15 सीक्वेंसेस और 22 डिज़ाइनर वो मिल के कल आपको स्टेज पे कल आपके सामने प्रेजेंट करेंगे. INIFT का सबसे खास चीज़ ये होती है कि इसमें बहुत दूर दराज से आई हुई लड़कियों को भी ऑप्शन चांस मिलता है और उन्हें तराशा जाता है. सी INIFT का हम लोग का खुलने का मेन उद्देश्य वही था कि जो लोग बॉम्बे दिल्ली नहीं जा सकते, जो नागपुर आते हैं वर्धा से, अकोला से, अमरावती से, वो बच्चों को हम चांस दें, क्योंकि जो बॉम्बे दिल्ली में मिलता है वही उनको नागपुर में मिल रहा है. तो एक तो कॉस्ट कम होती है और जो मेट्रो में जाने का उनका खर्चा है, जो फीस का खर्चा है, वो ऑलमोस्ट 1/4 हो जाता है बच्चों को. तो हमारे जो इतने टैलेंटेड बच्चे हैं, टैलेंट की कमी नागपुर में और नागपुर के आसपास नहीं है, उससे मच बेटर टैलेंट है हमारे बच्चों में, जो आप कल देखेंगे और आप खुद बोलेंगे कि भाई इंडिया में ऐसा शो नहीं होता. वी आर गिविंग द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट शोज इन द कंट्री टू यू टुमारो. स्टूडेंट्स आते हैं, पेरेंट्स वरीड होते हैं, दैट्स व्हाई आई थॉट टू थैंक INIFT बिकॉज INIFT हैज बीन मोल्डिंग अस सिंस द डे वी स्टार्टेड, लाइक द सिंस द डे वी स्टार्टेड और सेफ्टी. इट्स बीन 3 इयर्स. INIFT
NFT is like a family. They make us feel comfortable. Anish sir, our mentor, he has always guided us and helped us in each and every situation. So I would like to thank Sarvesh sir and Anish sir for helping us, molding us and being a huge part of our life. Thank you.